जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करते हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा जल्द होने वाली है, इसके लिए एक नया पेपर के माध्यम से सूचना जारी हुई है। इसमें दिखा है कि सिपाही भर्ती की जो परीक्षा है वो जल्द होने वाली है। उन्होंने कहा कि सिपाही भर्ती की रद्द हुई परीक्षा को दोबारा कराए जाने की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। जो तैयारियाँ हैं आपकी, एग्ज़ाम आपको किस प्रकार से कराना है, कहाँ एग्ज़ाम होना है, किस प्रकार से आपको बिठाना है, तो आपको पता ही कि आपकी बार जो व्यवस्था की गई है वो रैंडम तरीके से की गई है। कोई भी किसी प्रकार की उन्होंने ये नहीं दिखाया कि आपको यहीं बैठना है, यहाँ आपका सेंटर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला अभ्यर्थी होंगी उनको उन्हीं के ज़िले में एग्ज़ाम करना होगा, ये बहुत अच्छी बात है, उनके लिए दूर नहीं जाना होगा। और जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उन्हें उनके ज़िले के बाहर एग्ज़ाम देना होगा। और दूसरा जो बदलाव है कि एक ज़िले के अभ्यर्थियों को एक ही जगह नहीं बैठाया जाएगा, अलग अलग उन्हें केंद्र दिए जाएंगे और अलग अलग सीटों पर बैठाया जाएगा ताकि एक साथ न बैठ पाएँ। और जो सीटें होंगी वो आपको एग्ज़ाम के कुछ घंटे पहले ही डिसाइड की जाएंगी कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देना है, कहाँ बैठना है। सभी को रैंडम तरीके से अब की बार बैठाया जाएगा, कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इस पर पूरी तरह से तैयारियाँ चल रही हैं। बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद परीक्षा केंद्रों को सूचीबद्ध कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द परीक्षा तिथि घोषित कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपकी परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने एजेंसी को चयन कर लिया है और परीक्षा केंद्रों की जो सूची है उसे भी बना लिया है कि परीक्षा कहाँ देना है आपको। और जो एजेंसी है वो तैयार है परीक्षा कराने के लिए। सिर्फ देरी इसलिए कि जो सीएम महोदय हैं वो एग्ज़ाम डेट की घोषणा करेंगे, आपको एग्ज़ाम कब कराना है, तभी भर्ती बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम डेट जारी हो जाएगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस संबंधित सभी जानकारी समय से मिलें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी सूचना आपको समय से मिलती रहें। बात कर लेते हैं, आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा 18 व 19 फरवरी को हुई थी। पेपर लीक होने पर सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। उन्होंने जब परीक्षा निरस्त हुई थी आपकी, तो सीएम मोदी ने इसे फिर से कराने का जो आदेश दिया था, 6 महीने के अंदर कराने का आदेश दिया था। और जो 6 महीने हैं वो आपके लगभग होने वाले हैं और परीक्षा की तैयारियां आपकी पूरी हो गई हैं, जल्दी आपकी परीक्षा करा दी जाएगी। और आपकी जो तैयारियां हैं वो अच्छी होनी चाहिए क्योंकि परीक्षा डेट आपकी जल्द आने वाली है। सीएम महोदय कभी भी घोषणा कर सकते हैं कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है, तो पूरी तैयारियां समय है, सिर्फ महोदय का आदेश है। जैसे ही महोदय का आदेश मिलेगा परीक्षा आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, मतलब आपके जो परीक्षा की तैयारियाँ हैं वो आपकी, आपको लगभग महीने भर का समय या 15-20 दिन का समय दिया जाएगा, तो आप अपनी तैयारी करें। जो अभ्यर्थी यूपी पुलिस में भर्ती होना चाह रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अब उन्हें ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, रिविज़न करने की ज़रूरत है और अच्छी पढ़ाई करने की ज़रूरत है उन्हें। तो दोस्तों अगर आपको आप ये चाहते हैं कि आपको पुलिस भर्ती संबंधित या अन्य सरकारी संबंधित भर्तियों की जानकारी समय से मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।